किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा कृष्णा एग्री बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, मल्टीप्लायर कंपनी से। किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों के बीच में किन्नू, संतरा, नींबू जैसी फसलों पर मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करने से क्या रियल परिणाम मिलता है, रियल मिलता है, उसके विषय पर चर्चा करने के लिए वीडियो को मैं आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि किन्नू, संतरा, नींबू ऐसी फसलों में अगर थोड़ा भी मौसम का या फिर टेम्परेचर, तापमान का या फिर रोग का प्रभाव पड़ा तो वो फसल वो बात आपका कोई तरह से गुजर जाता है और उसमें जो खर्च होने वाला आपको खर्च होता है उसके विपरीत आपको लाभ उत्पादन बहुत कम मिलता है। किसान भाइयों, अभी आप जो ये फसल देख रहे हैं, ये बागवानी की फोटोज देख रहे हैं, ये श्री संतोष सिहादरी की है जो हनुमानगढ़ राजस्थान के रहने वाले हैं। उन्होंने फोटो शेयर किया है। इन्होंने लगभग 2.5 वर्ष पूर्व मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया था। इनके हिसाब से करीब 50 से 60% उत्पादन बढ़कर मिला इस बार। इससे पहले किसान भाई के फसलों में, बागवानी में बहुत समस्याएं होती थी, जैसे कि जो आप आज बिल्कुल हरा भरा बागान देख रहे हैं, ये धीरे धीरे इनके पत्ते सूख रहे थे और इनमें से टहनियाँ सूख रही थी, पौधों की नई ब्रांचेस का डेवलप नहीं हो रहा था और इसमें नई ब्रांचेस, नए फूल, जब ब्रांचेस नहीं होती हैं तो नए उत्पादन, नया फ्लावर, ये सब चीज़ों में भी बहुत असुविधा होती है और बहुत ही उत्पादन में बहुत ही कमी आ जाती है। इस तरह से किसान भाई ने मल्टीप्लायर की जानकारी से ली थी और मल्टीप्लायर की जानकारी लेने के बाद इन्होंने उसका मेरे बताए हुए शेड्यूल से उपयोग किया था। आप जैसा कि देख रहे हैं किन्नू की फसल में किस तरह से किन्नू लगे हुए हैं, बागान पूरा हरा भरा है और ये किसान भाई ने वीडियो बना करके मुझे भेजा हुआ है। ये बागान बहुत ही खूबसूरत है, उत्पादन भी बहुत अच्छा आया है। पहले समस्याएं आती थी कि इसके जो फूल होते थे वो अधिकतर झड़ जाते थे और जो फल लगते थे वो भी किसी कारण से झड़ जाते थे। किसान भाइयों, जिस तरह से एक परिवार में 20-25 सदस्य रहते हों और सबको एक तरह का भोजन मिलता है, एक तरह से आराम करने के लिए बिस्तर मिलता है, एक तरह से वातावरण संस्कार मिल रहे हैं, एक तरह से शिक्षा मिल रही है, लेकिन फिर भी उसके हिसाब से सबका बौद्धिक स्तर अलग अलग होता है। लेकिन किसान भाइयों, इसी तरह से जो हम फसल एक ही मिट्टी है, एक ही खेत है, एक ही पानी है, एक ही उर्वरक है, एक ही समय है देने का, सब कुछ एक ही जैसा है, इसके बाद भी उसमें रोग आना, सभी फसलों का अलग अलग डेवलपमेंट होना, सभी फसलों से, सभी पौधों से अलग अलग उत्पादन आना, अलग अलग साइज का उत्पादन आना, ये सब विषमताएँ देखी जाती हैं आज की रासायनिक प्रक्रिया से खेती की जाती है। लेकिन यहाँ मल्टीप्लायर तकनीक से अगर आप खेती कर रहे हैं ये सभी विषमताएँ बिल्कुल दूर दूर तक नज़र नहीं आती। अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पूरे बागान में, पूरी खेती में एक ही जैसी फसल देखने को मिलेगी और एक ही जैसा उत्पादन देखने को मिलता है, क्योंकि फसल में जो विषमताएँ आती हैं वो किसी न किसी पोषक तत्व की कमी से आती है, किसी न किसी विपरीत मौसम या तापमान, इन सब चीज़ों की वजह से आती है। लेकिन मल्टीप्लायर उपयोग कर रहे हैं तो ये एक तरह से प्राकृतिक पर्यावरण वातावरण में आगे से माहौल देता है, जिसकी वजह से आपकी तस्वीर बदलने एक जैसी दिखाई देती हैं। आपकी फसलों में जो उत्पादन आता है लगभग एक ही जैसा आता है, इसलिए उत्पादन बढ़कर मिलता है। रासायनिक प्रक्रिया में ऐसा कहना असंभव है कि अगर आप सभी फसलों में रासायनिक खाद दे रहे हैं तो सभी फसलों में आप एक जैसा उत्पादन ले लें, ये कहना बहुत ही जो है अभी बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही ज़्यादा असंभव है। इसलिए आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं, अधिक से अधिक जो है अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करने का बहुत आसान तरीका है। जमीन से आपको 250 ग्राम देना है पर एकड़ के हिसाब से 8 इंच के अंदर पर, और स्प्रे में मल्टीप्लायर 15 ग्राम, ऑयल क्लियर 5 ml, स्प्रे प्लस 2 ml, नारा अस्त्र 10 ml आपको देना है। 15 लीटर पानी साथ में 7 से 8 दिन के अंदर पर स्प्रे करना है। आप अगर स्प्रे आपको जमीन से देने का जो डिफरेंस है 7 दिन 8 दिन का, अगर ये आप घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो इस हिसाब से मल्टीप्लायर कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से किसान भाइयों, मेरे हिसाब से अगर आप
ये चीज़ ये तकनीक अपनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है और बहुत ही ज़्यादा आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। किसान भाइयों, मेरा उद्देश्य है सिर्फ आपकी फसल को कैसे किस तरह से उत्पादन बढ़ाया जाए जिस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक लाभ मिल सके। किसान भाइयों, मेरा जो अनुभव है वो कई किसानों के बीच का है, वो किसी एक किसान का नहीं है, किसी एक खेत का नहीं है, अलग अलग हजारों खेतों में हजारों किसानों के साथ हम काम कर रहे हैं और इस तरह से मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करके हमें बहुत अच्छे से किसानों को बहुत अच्छा लाभ दिलाया है। किसान भाइयों, मैं ऐसे कई वीडियो बनाता हूँ जिसमें किसान भाइयों का फोन नंबर देता हूँ जिसे आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, आप उनसे स्वयं मिल सकते हैं। अगर आसपास के किसान हैं आपके तो आप उनसे मिलकर भी जानकारी ले सकते हैं।